देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। जय बृहस्पति देव। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम बृहस्पतये नमः। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम बृहस्पति की, जो अभी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ बता देता हूं। ये अप्रैल माह 2022, जो इसमें 6 प्लैनेट्स अपनी राशियां बदल रहे हैं। मंगल बदल चुके हैं, जिनका मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। राहु केतु बदलेंगे, सूर्य बदलेंगे, गुरु बदलेंगे, शनि बदलेंगे। तो ये मेजर प्लैनेट्स हैं, वो बदलेंगे। तो उन सब के वीडियोस हम डालेंगे, आप जरूर देखिए। मेरा यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। अगर किसी को कोई क्वेरी क्वेश्चन हो, बहुत जेन्युइन क्वेरी क्वेश्चन हो, तो मेरा नंबर है 9978627397। अब आपको बताते हैं कि बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 में अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी कुंभ राशि में है आज की डेट में, और वो मीन राशि में आ रहे हैं, जो उनकी स्वयं की राशि है। उसके बाद में वो एक साल तक, फॉर वन ईयर, अभी पिछले 2-3 सालों से वो बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे थे पर अब 1 ईयर के लिए वो इसी मीन राशि पे चलेंगे, अपनी राशि पे चलेंगे। इस राशि पे चलते हुए वो उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद और रेवती, इन नक्षत्रों पे विचरण करेंगे। विल बी पासिंग थ्रू दीज ऑल स्टार्स, नक्षत्रास। तो इसमें जो सबसे पहले, जैसे एंट्री पॉइंट पे ही, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे फॉर 1 मंथ। उसके बाद में भी थोड़ा पावरफुल रहेंगे, और लास्ट में ये जब अप्रैल 2023 में चेंज करेंगे, आगे वाली राशि में जाएंगे, जब ये थोड़ा सा हल्का पड़ेंगे, मतलब कमजोर नहीं पड़ेंगे। स्वराशि तो स्वराशि है, बट फिर भी इफेक्टिव वाइज फर्स्ट जो मंथ है आफ्टर द चेंज, दैट शुड बी वेरी गुड। मैं आपको इसी वीडियो में ये भी बता दूं कि अभी ये वक्री होंगे जुलाई में। वक्री का मतलब विल बी गोइंग बैक, पर राशि परिवर्तन नहीं होगा, राशि यही मीन राशि में ये पीछे जाएंगे कुछ दूरी तक, और फिर वापस सीधे हो जाएंगे। जो वक्रत्व या रिट्रोग्रेशन का पीरियड होता है, वो थोड़ा सा उसमें पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। अगर खराब है, वीक है, तो उसमें वीकनेस बढ़ जाती है। अगर अच्छा है तो उसमें और ज्यादा एड ऑन हो जाती है स्ट्रेंथ। इस तरीके से ये चलेंगे नवंबर तक, फिर मार्गी हो जाएंगे, और फिर अप्रैल 2023 में ये राशि परिवर्तन। लोगों ने मुझे कहा है कि आप ये ज्योतिष मत पढ़ाया करो, सीधे सीधे आया करो, पर ये आपको जानना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया। उसके बाद मैं 12 राशियों पे ले रहा हूं। उसके बाद में हल्का सा मैं एक चीज को टच करूंगा फॉर ए मिनट और सो, कि उपाय कौन से करने चाहिए। पर मैंने आज अपने पीछे के जो जितने भी वीडियोस हैं, उनमें उपाय मैंने लिख रखे हैं उस पर, फेसबुक पे तो, पर यूट्यूब में मैंने डाल रखे हैं वीडियोस, उनमें आप देखिए। उनका हम जो लिंक है वो भी इसमें शेयर करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपन 12 राशियों की बात करते हैं। पहले एक और बात बता दूं, बृहस्पति से हम मेन जो कॉर्पस बनता है, धन की बात करें, जो धन इकट्ठा करने की बात करें, वो बृहस्पति, नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी बृहस्पति से। आपकी शादी, वैवाहिक जीवन, वो सौभाग्य, स्त्रियों में विशेष सौभाग्य, वो बृहस्पति से। संतान और पेरेंट्स का सुख, वो बृहस्पति से। आपकी एजुकेशन, आपकी जॉब, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, वो भी बृहस्पति से। तो बृहस्पति
मैंने जब ये शुरू किया था ज्योतिष का काम, तो बृहस्पति की इतनी इंपॉर्टेंस है विशेषकर लेडीज में, कि अगर बृहस्पति बहुत अच्छे घर में प्लेस्ड है विद फुल स्ट्रेंथ, उच्च का हो, अपनी राशि का हो, जैसे अभी आ रहा है अपनी राशि का स्वराशि, उस समय वो जैसे हम 100% मार्क्स होते हैं ना स्कोरिंग, उसमें से 50% मार्क्स तो एक प्लेनेट पे दे देते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है बृहस्पति। अब हम बात करते हैं मेष राशि, नंबर वन राशि। मेष राशि के लिए ये 12th हाउस में आएंगे, जो कि घर है वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, पर इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि ये जो वेस्ट प्लेस खर्चा या वो जो भी, ये शुभ खर्चा करवाएंगे। स्वराशि के हैं, 12th हाउस में है, तो भी ये शुभ खर्चा करवाएंगे। कोई शादी विवाह की बात हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की बात हो सकती है, घर बनाने की बात हो सकती है, किसी को आप मदद करने की बात हो सकती है, इस तरीके से। इनका यही शयन कक्ष सुख का भी घर होता है, बेडरूम प्लेजर या फैमिली लाइफ प्लेजर, उसमें बृहस्पति होने से अच्छा रहेगा। बट फिर भी हल्का सा ऐसा हो सकता है कि उनका कोई कार्य में या किसी जॉब के कारण या ओवर इन्वॉल्वमेंट इन द बिजनेस के कारण आपका थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि यू मे नॉट फील सो कंफर्टेबल इन योर मैरिड लाइफ। ये मेनली ये मेष राशि के लिए ये है। मेष राशि वालों को यही साथ में बता देता हूँ, क्योंकि ये 12th हाउस में है, अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा भी नहीं माना जाता है, वीक माना जाता है, इसलिए उनको सारे बृहस्पति के उपाय करने चाहिए इस पूरे एक साल के लिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के ये आएंगे 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट। तो वृषभ राशि वालों को तो लिख लीजिए कि आपके धन की बात करूं मैं, मतलब सारी जगह लाभ ही लाभ है। यू आर गिवन द मनी, नेम, फेम, स्टेटस, व्हाट नॉट, गुड मैरिड लाइफ, समथिंग गुड अबाउट द हस्बैंड और समथिंग गुड अबाउट द वाइफ, ये सब चीजें उसमें आती है। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा बृहस्पति का प्लेसमेंट है, बृहस्पति उनको बहुत कुछ इसी ड्यूरेशन में देंगे। उसके बाद में आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि को अभी ढैया चल रहा है, बहुत दिक्कतों में है वो, पर ये 13th अप्रैल को जो चेंज हो रहे हैं बृहस्पति, ये आपके 10th हाउस में आए, आपके जॉब से रिलेटेड, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके कुछ भी अटके हुए काम, वो सब चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव मदद आ जाएगी, धन आ जाएगा आपका, जो मान लो जैसे बिजनेस में भी यू आर फेलिंग और या यू आर फीलिंग सम डिफिकल्टीज, तो वो सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। मेन आपका अभी चलेगा वो क्या, बिजनेस, जॉब और कैरियर, इसमें आपका अपलिफ्टमेंट होगा, मेन ये है। उसके बाद में कर्क राशि, उनके लिए भाग्य भवन 9th हाउस में आएंगे। भाग्य भवन, जब भाग्य साथ दे रहा हो और उसमें भी कौन, स्वग्रही बृहस्पति, तो फिर कर्क राशि वालों का तो पूछना ही क्या है, वो बात अलग है कि उनके दूसरे प्लेनेट, बट इसको इंडिविजुअली अगर हम देखें तो यू विल बी गिवन वंडरफुल रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ दिस जुपिटर, एंड दैट टू जुपिटर, दैट टू ऑफ हिज ओन राशि, मीन राशि में। तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, उनके पिता, पुत्र, संतान, धन, जो उनका एजुकेशन, उनकी जॉब, भाग्य में तो सब चीजें कंप्लीट होती है, कवर्ड होती है, तो यू विल बी गिवन फुल फेवर बाय दिस जुपिटर बिकॉज इट्स प्लेस्ड इन द 9th हाउस। उसके बाद सिंह राशि, सिंह राशि के ये 8th हाउस में आएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस तो ये कह देता हूं कि सबसे ज्यादा उपाय करने की जरूरत अगर किसी राशि को है तो वो सिंह राशि है। 8th हाउस में आएंगे, उनको सब तरह की, जितने भी मैंने ये बताए हैं कि बृहस्पति किन किन बातों के लिए है, उन सब में उनके कमजोरियां आ सकती है, एक ही चीज में थोड़ा फायदा रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत जैसे उनको रह सकता है, वो है मनी वाइज। फाइनेंशियली शायद उनको इतना नहीं महसूस हो, बट अदरवाइज तो सब चीजों में उनको कमजोरी आ सकती है, उनके
फादर मदर पेरेंट्स संतान उनकी एजुकेशन उनके जॉब बिजनेस सब में हल्का हल्का सा दिक्कत आ सकती है। एंड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जुपिटर कंट्रोल्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बॉडी वाइज ये जुपिटर आपको लीवर जीआईटी ट्रैक मतलब जो इंटेस्टाइन्स और ये जो है गैस ट्रबल मिनिमम इज गैस ट्रबल ये सब चीज़ें एसिडिटी इस तरीके की चीज़ें आपको वो दे सकते हैं। इनडाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी बीमारियां जो क्रॉनिक हो जाती हैं वो भी इससे हो सकती है, बट विल बी रिलेटिंग टू डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद में कन्या राशि उनके ये सेवंथ हाउस में आएंगे विच इज अ हाउस ऑफ पार्टनर और साथ में केंद्र स्थान है, तो उनके फिर एक बार को चलिए रैली कर लेते हैं क्या धन का फायदा जॉब बिजनेस उसमें क्यों केंद्र स्थान में, और हाउस ऑफ पार्टनर अगर किसी के एंगेजमेंट नहीं हो रही है शादी नहीं हो रही है बच्चे नहीं हो रहे हैं ये सब ये जुपिटर कंट्रोल करके आपको देंगे, ये सब कुछ कंट्रोल करके जुपिटर आपको देंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड है एज फॉर एज जुपिटर इज कंसर्न उसके बाद में आइए तुला राशि उनके सिक्स हाउस में आएंगे, उनको भी उपाय करने हैं बृहस्पति के इस पूरे साल उनके बस, और देखिए शत्रु रोग और पीड़ा का घर है ये छठा घर और द सिक्स हाउस, तो उसे सब दिक्कतें हो सकती है मे बी ऑन देयर हेल्थ कुछ इम्पैक्ट इफेक्ट आ सकता है अननेसरी किसी से लड़ाई झगड़े ये जैसे मैंने कहा पेरेंट्स का कहा वाइफ हस्बैंड की बात की बच्चों की बात की अच्छे बॉसेज की बात करो उनसे भी ये हो सकता है, बट एक इनको भी फायदा होगा क्योंकि गुरु धन के घर को भी कनेक्ट कर रहे हैं तो इनको भी फाइनेंशियली कुछ फायदा हो सकता है। उसके बाद में आती है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के ये फिफ्थ हाउस में आएंगे तो ये भी एक अच्छी रैली है। फिफ्थ हाउस हाउस ऑफ एजुकेशन हाउस ऑफ विजडम हाउस ऑफ लव हाउस ऑफ चिल्ड्रन ये सब में प्लस प्लस होता चला जाएगा और ये यहीं बैठ के भाग्य को भी देखते हैं तो भाग्य से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो भी अपलिफ्ट होंगी इम्प्रूव होंगी ग्रोथ वाइज वो अच्छा पीरियड है इनके ऑन अकाउंट ऑफ दिस जुपिटर विच इज प्लेस्ड इन फिफ्थ हाउस। ये अभी जो हम बात कर रहे हैं ये राशि वाइज कर रहे हैं, बृहस्पति के मीन राशि के गोचर संचरण ट्रांजिट कुछ भी समझ लीजिए उसके बेस पे और ये देखा जाता है राशि से, जैसे मैंने अभी कहा वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि वालों के वो फिफ्थ हाउस में होंगे, कंफ्यूज नहीं हो ये राशि से देखा जाता है कि आपकी राशि क्या है उससे। उसके बाद में आती है धनु राशि के ये फोर्थ हाउस में आएंगे, इनको थोड़ा प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है हल्का सा इनको ये जॉब का भी फायदा हो सकता है बट ये बहुत मिनिमम वाली बातें हैं, इनको प्रॉपर्टी जॉब इनकी मदर को भी थोड़ा बहुत अगर कोई प्रॉब्लम एलिमेंट चल रही है तो थोड़ा इम्प्रूव हो सकते हैं एंड दे मे फील हैप्पीनेस ये भी हो सकता है सुख मिले उनको थोड़ा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट यस है फिर भी ठीक में। उसके बाद में आती है मकर राशि में थर्ड हाउस में आएंगे विच इज ए हाउस ऑफ स्टेटस नेम फेम आपका जो पद आपकी जो ग्रोथ उसमें आएंगे और इसमें ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, जो किताबों में लिखा है जो सारे लोग मानते हैं वो ये मानते हैं कि थर्ड हाउस में गुरु होने से वो भाग्य भवन को देखते हैं तो भाग्य को बढ़ाते हैं, पर बहुत से जगह बहुत मतों के अनुसार थर्ड हाउस में तो इवन एट्थ हाउस से भी ज्यादा खराब माना जाता है गुरु, पर मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में आपका भाग्य जरूर बढ़ाएंगे बट आपकी कहीं कहीं इंसल्ट करवा सकते हैं। थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ नेम फेम एंड प्रेस्टीज तो उसमें वो कहीं इंसल्ट करवा सकते हैं अननेसेसरी क्लैशेस करवा सकते हैं, तो उनको भी कुछ हद तक कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, जैसे सिंह वालों को पूरे उपाय करने चाहिए
जैसे मेष राशि वालों को पूरे उपाय करने चाहिए, जैसे तुला राशि वालों को भी पूरे करने चाहिए, धनु वालों को, मकर वालों को कुछ उपाय करने चाहिए। उसके बाद में आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए इनके फिर वो रैली शुरू कर लेते हैं, पॉजिटिव रैली। धन का फायदा, अगर उनके कोई बॉसेज और उनसे कोई कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है, डायलॉग वाइज अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो अच्छा है। फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए दिस इज द पीरियड वेयर दे विल गेट गुड पिक्चर्स, या ब्रेक कह लो या कुछ भी कह लो, और वहां पर वो अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। दे विल गिव देयर बेस्ट, दे विल डिलीवर देयर बेस्ट, दे विल कम्युनिकेट देयर बेस्ट। इस तरीके से कुंभ राशि वालों के हैं। मीन राशि वालों के, उनकी तो राशि पे आए हैं ये, तो ओवरऑल तो उनका कॉन्फिडेंस कह लो, धन की बात कर लो, जितने भी गुरु से जुड़े हुए हैं उनके पार्टनर के साथ के रिलेशनशिप की बात कर लो, उन सब में उनको फायदा होगा। और ये बहुत ज्यादा सुपर पावरफुल वाली पोजीशन नहीं है, पर फिर भी बहुत अच्छा माना जाता है। यहां पर अब मैं कंक्लूड कर देता हूं कि देखिए, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस, ये चार घरों में राशियों से, जैसे सेकेंड हाउस में किसके है, कुंभ के, फिफ्थ हाउस में किसके है, वृश्चिक के, नाइन्थ हाउस में किसके है, कर्क के, इलेवेंथ हाउस में किसके है, आपने सुना होगा, आपने सुना होगा वृषभ राशि, मैंने अभी वीडियो बोला है। तो ये सबके लिए बेस्ट टाइम है, किसी के किसी एरिया में ज्यादा है, किसी किसी में, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग इज देयर। तो फ्रेंड्स, ये मैंने राशि वाइज बता दिया। उपाय में बृहस्पति की पूजा होती है, विष्णु जी की पूजा होती है, और एक बात और बता दूं, देखिए आप मेरी अभी ड्रेस देखिए, अगर आप बृहस्पतिवार को गोल्ड पहनते हैं ज्यादा, वो भी एक उपाय में आता है। आप अगर जैसे कड़ा पहनते हैं या ब्रेसलेट, जैसे मैंने ये अभी पहन रखा है, ये पहनते हैं तो इससे भी यू विल इम्प्रूव योर दिस प्लेनेट, यू विल इम्प्रूव योर दिस प्लेनेट। जिनके उपायों के लिए मैंने कहा है, जिनको नॉन उपायों के लिए मैंने कहा है, मतलब उनको उपाय करने की जरूरत नहीं, वो भी अगर गोल्ड पहन के बृहस्पतिवार को कोई चीज करना चाहें तो आप करिए, और ये देखिए और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा उसका रिजल्ट आया या नहीं आया। पीला खाइए तो जैसे बेसन के जो कुछ भी प्रिपरेशन होती है, चने की दाल या जो जो भी होती है वो करिए, हलवा बना के खाइए बेसन का और गुड़ का। इस ड्यूरेशन में जिनको उपाय मैंने बताए हैं और जिनको नहीं बताए उसके लिए एक टिप दे देता हूं, रोजाना, जिनको उपाय बताए उनके लिए बता रहा हूं, रोजाना गुड़ खा के पहला खाना शुरू कीजिए, चाहे ब्रेकफास्ट चाहे लंच, और एक हल्दी का तिलक यहां लगाइए। वो तिलक किसी को दिखे या नहीं दिखे कोई बात नहीं है, पर लगाइए जरूर। वो लगाने से आपका ये भी एक मेजर उपाय, फिर तो देखिए जाप पूजा भी करवाए जाते हैं इनके मंत्रों के और वो सब है। तो मित्रों, ये सब कुछ था अबाउट द जुपिटर, और अब आने वाले टाइम में मैं राहु केतु के और सूर्य का ये पहले बनाऊंगा, क्योंकि वो पहले चेंज हो रहे हैं राशि, और लास्ट में फिर शनि 29 अप्रैल को हो रहे हैं, तो उनका लास्ट में उनका भी बनाऊंगा। मैंने आपको बता दिया, मैं एस्ट्रोबामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, श्रीकर्णी वास्तु एंड श्रीकर्णी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान के नाम से यूट्यूब चैनल है, मेरी डॉटर है तुषार चारण, अबेंडेंस एंड ग्रेस इस नाम से उनका चैनल है, उसमें आप देखते रहिए, हमारे सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, और आप मुझे फीडबैक भी दीजिए। मैंने नंबर दिए हैं 9978627397, उस पर आप व्हाट्सएप में यू कैन गिव योर व्यूज ऑल्सो, फीडबैक ऑल्सो। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, एंड वी मीट अगेन इन अनदर वीडियो। ऑल द वेरी